बड़वानी। सरकारी आवासों में रहने वाले पुलिस कर्मियों के लिए इस साल पुलिस विभाग ने अनोखी प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसके तहत उन पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा जिनके सरकारी मकान सुसज्जित और साफ है। प्रतियोगिता के संबंध में जब पुलिस कर्मियों को वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया तो सभी अपने सरकारी आवास को सुसज्जित करने में लगे और मकानों की अच्छे से साज सज्जा की। दीपावली पर पुलिस कर्मियों के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके बाद निरीक्षण के लिए बनाई गई टीम ने सभी आवासों का अवलोकन कर सबसे सुंदर और सुसज्जित मकानों की सूची कर दी है। अब उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में सरकारी मकानों को सजाने में डीआरपी लाइन के एएसआई आर के लोवंशी का निवास पहले स्थान पर रहा। वहीं दूसरे और तीसरे स्थान पर आरक्षक घनश्याम और प्रधान आरक्षक हेमराज वर्मा का मकान रहा। ऐसे ही न्यू पुलिस लाइन चूनाभट्टी में एएसआई विकास गवा ने प्रथम, आरक्षक गजेंद्र सिंह दूसरे और आरक्षक दिनेश चौहान तीसरे पायदान पर रहे। वहीं बावन खोली लाइन में प्रधान आरक्षक अशोक नैयर पहले, महिला बाल आरक्षक वैशाली सैनी दूसरे और महिला आरक्षक उमा भारती के मकान तीसरे स्थान पर रहे। अब इन्हें विभाग की तरफ से पुरस्कृत किया जाएगा। जिला बड़वानी में पुलिस अधिकारी कर्मचारी को शासकीय आवास की पात्रता होती है और उनको शासकीय आवास आवंटन भी हुए हैं। तो जो आवंटित शासकीय आवास की साफ सफाई के लिए इस बार दिवाली पर हमने एक प्लान बनाया था कि एक नोटिस बोर्ड चस्पा किया कि उसके अनुसार ये कि इस दिवाली पर जिस अधिकारी कर्मचारी पुलिस अधिकारी कर्मचारी का शासकीय आवास बहुत ही क्लीन और साफ सुथरा दिखेगा, ऐसे तीन व्यक्तियों की कमेटी के द्वारा रिकमेंड करने पर उनको पुरस्कृत किया जाएगा और जो साफ सफाई पर ध्यान नहीं देंगे और जिनके बहुत धंधे पाए जाएंगे उनको सजा भी दी जाएगी। तो कमेटी के द्वारा हाल ही में तीन ऐसे आवास जिनके द्वारा उनके अच्छी साफ सफाई की गई, रंगे पुताई अच्छी की गई है, उनको हमने पुरस्कृत किया है और जो तीन जिन्होंने इसको ध्यान नहीं दिया है उनको उचित दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। ये सारी कवायद का आशय यह था कि दिवाली पर लोग प्रेरित होकर के अपना घर स्वयं, जिसमें वो भले शासकीय आवास हो लेकिन जिसमें वो स्वयं और उसका परिवार यदि आवास है और रह रहा है तो उसकी साफ सफाई की ओर ध्यान दें। और इस सूचना पर प्रेरित होकर के सभी लोगों ने स्वैच्छिक तौर पर पुलिस अधिकारी और कर्मचारी अपने आवास और उनके परिवार के लोगों ने बड़ी ध्यान दिया और बड़ा साफ सुथरा आवास है, जिसकी वजह से आज पुलिस कॉलोनी बड़ी साफ सुथरी दिख रही है।